राधे राधे सारे भाइयों, और कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। बहुत सारे भाइयों के ये डाउट आते थे कि उन्हें एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं पता चलते ताकि वो प्रॉफिट कर पाए, तो उसके भी आप है ना एक प्रॉपर है ना आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिससे आपको एंट्री पॉइंट भी और एग्जिट पॉइंट दोनों पता चलेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने चार्ट को देखते हैं। देखो यहां से मार्केट, आप ये वन डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना, वन डे का, एक दिन का। यहां से मार्केट सीधा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने एक रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट किया, ठीक है। ये अपने पास इसने रेजिस्टेंस बनाया, ये सपोर्ट बना लिया। सिंपल सी बात है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहां पे क्या होता है, सोचते भी चलो सेल कर ले या नहीं करेंगे तो रीटेस्ट होने के बाद फिर से एक्स पॉइंट पे सेल कर ले, थोड़ा अपर साइड में अपना स्टॉप लॉस प्लान कर लेते हैं। यही चीज करते हो? ऐसा नहीं करना आज के बाद। एक बात को समझ लो, वैसा क्यों बोल रहा हूं, ये मैंने क्या बोला था, एक दिन का टाइम फ्रेम है। जब भी ऐसा कोई भी ब्रेकडाउन हो ना, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट किया, अगेन नीचे आना, यहां पे एंट्री पॉइंट रेयरली रखना, होती है एंट्री, ये भी बताऊंगा, बट इसके लिए आपको क्या करना, एक बड़े टाइम फ्रेम को यूज करो। ये एक दिन का था, वन वीक का, एक वीक का टाइम को थोड़ा और बड़ा कर लेते। अब देखते हैं, अब ये यहां पे ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है ना, ब्रेकडाउन हो रहा है। मैंने पिछली डेट में जाके देखा, अरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस शो किया था, नीचे आया था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब अब ये रेजिस्टेंस जो था वो किस में बदल गया, सपोर्ट में। अब ये बात समझ में आई, सपोर्ट लेवल पे आया मार्केट। वन डे में तो दिख रहा था कि चलो भाई इस सपोर्ट का ना कैसे ट्रेड लेते हैं हम लोग, जब भी मार्केट ऐसे रेंज में ट्रेड कर रहा था, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन था, रिटेस्ट करता, नीचे आता, हम लोग तभी सेल करते हैं ना, सोचते हैं यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का अपना स्टॉप लॉस प्लान कर लेंगे, ये करते थे ना। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम की भी कंफर्मेशन ले लिया करो ताकि एक एंट्री आपका ना एक्यूरेसी अच्छा खासा और प्रॉफिट भी बने। अब मेरे को पता चल गया भाई, ये जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन चुका है, तो मेरे को यहाँ पे गलती से भी सेल नहीं करना, अपन को यहाँ पे क्या ढूंढना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बड़ा टाइम फ्रेम तो यही बता रहा है, ठीक है भाई, बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहां पे ढूंढना पड़ेगा। अब उसके लिए अपना वन डे के टाइम फ्रेम पे फिर से आते हैं कि ये कब बाइंग का एंट्री दिखाएगा। इसने क्या किया, देखो ब्रेकडाउन दिया था, रीटेस्ट भी किया, अगेन नीचे आया, यहां पे एंट्री लेते, अपना स्टॉप लॉस खा लेता। फिर बोलते हैं मार्केट में तो लॉस ही होते हैं भाई, अगर है ना कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे ना, नहीं होते। अब देखो ये जो लास्ट वाला कैंडल था, इसका वॉल्यूम चेक करो, अच्छा खासा वॉल्यूम था। इसके रेड एंड ग्रीन पे मत जाना कि सोचो रेड है तो सेलिंग प्रेशर होगा, नहीं मेरे भाई, ये वॉल्यूम सिर्फ इतना इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम था, इट मीन्स कि इस लेवल पे, इस कैंडल में कोई बड़ा प्लेयर था, बिग प्लेयर, ठीक है ना, उसने अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेड किया। अब उसने बाइंग किया, सेलिंग किया, हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि यहां पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, ठीक है भाई। अब ये था अपने पास सपोर्ट लेवल, उसके बाद इसने बाउंस बैक लिया, रिट्रेसमेंट करके अगेन फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाया। अब क्या मान सकते हैं, अब यहां पे सच में इस बड़े प्लेयर ने बाई किया होगा, अपने पास ये सपोर्ट लेवल है, हाई वॉल्यूम है, ठीक है ना, नीचे पीक निकला हुआ है, ठीक है ना, पिनवा टाइप का होता है ना, तो नीचे से जैसे कि कैंडल कभी ऐसा बनता हो आपने देखा हो, ठीक है ना, ये मान लो तो कोई भी कैंडल है, बट इस जोन में है ना बायर एक्टिवेट होते हैं, ठीक है ना, नीचे पीक निकला हुआ है तो बायर में ज्यादा दम था। सेम केस जैसे कोई भी कैंडल होता है उसमें अपर साइड में पीक ज्यादा होता है, तो इट मीन्स कि इस जोन में सेलर है। तो अपन को ये कैंडल क्या बता रही है, ये कैंडल बता रही है कि यहां पे बायर है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, सपोर्ट लेवल है, तो यहां पे एंट्री प्लान बनता है ना, अपना स्टॉप लॉस इसके लेवल के नीचे का प्लान करें, टारगेट ने हाई तक का रखे, तो एंट्री और एग्जिट प्लान हो गए ना। देखो ट्रेड लेने वाले थे हम लोग सेलिंग साइड का, ठीक है, बट अगर प्रॉपर एजुकेशन होगा, प्रॉपर सीखा होगा, मार्केट में हम लोगों ने काम किया होगा, तो ये ट्रैप समझ में आ जाएगा कि भाई ये है ना बायरों के लिए नहीं, ये सेलरों के लिए नहीं है, ठीक है, हमें यहाँ पे सेल नहीं करना, हमें यहाँ पे बाइंग करना, वरना इसने तो अच्छा खासा दिखा दिया था, इस टाइप से चल पड़ा था, ये तो सेल कर देते, लॉस हो जाता, तो इन बातों पे भी ध्यान रखा। और ये छोटी छोटी बातें होती है बट प्रॉफिट बना के यही देती हैं,
हम सोचते हैं कोई कोल्ड टिप्स दे देगा, एकदम से हमें बता देगा। यार वो उसको इतना पता होता तो वो कोल्ड टिप्स क्यों देता, ठीक है ना। तो अपना बाइंग का एंट्री बन गया ना, अब टारगेट सीधा भाई, अगर सपोर्ट सच में लिया टारगेट इस लेवल के आसपास का, थोड़ा इसके नीचे का रख लो, थोड़ा ऊपर का रख लो, मैं बोलता हूँ कि नीचे का ही रख लो, और लो के नीचे का या इस लो के नीचे का हम लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंट्री प्लान हो गया, जैसे ही रेड कैंडल का हाई बढ़ गया यहाँ पे अपना एंट्री हो गया, देखो लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है ना, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट। तो इस टाइप से अगर आप काम करोगे ना, छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम को मिक्स करके आप एक एंट्री पॉइंट निकालोगे ना, एक्यूरेसी आपकी आएगी। होप आपको ठीक है ना ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दो, और भाई सब्सक्राइब भी कर दो अगर अच्छी लगती है तो, ताकि और भाई भी सीख ले। ओके भाई, राधे राधे।